सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर जो हम लोगों ने टॉप 15 शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी का एक हिस्सा है। इसमें हम 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और इसके साथ हमें दो कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये क्वेश्चन होगा कैसे, फिर इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए, ये जो आपको फंक्शन गिवन है f, सबसे पहले इसके अंदर x को हम रिप्लेस करवाएंगे 2 के साथ, रिजल्टिंग वैल्यू को इक्वेट करेंगे माइनस 3 से, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दिस x को रिप्लेस करवाएंगे माइनस 1 के साथ, रिजल्टिंग वैल्यू को इक्वेट करवाएंगे 0 से, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रैमर रूल, जो सा आपका फेवरेट मेथड है, आसान आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे हम करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पुट एक्स टू इन द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो, हम जरा गिवन फंक्शन को लिखना शुरू करते हैं, गिवन फंक्शन को लिखना शुरू करते हैं, और जब हमें एक्स नजर आएगा उसकी जगह हम टू लिखते चले जाएंगे। 2 क्यूब माइनस ए इंटू टू स्क्वायर प्लस बी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा इस जगह पे, तो यू विल गेट 2 बी प्लस 1। यहां से देखिए क्या बना, एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहां पे हम डाल देते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो उसकी जगह माइनस 3 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4 ए प्लस 2 बी प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस 3 में ऐसे 9 माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे 9 बना, लेफ्ट साइड पे आके माइनस 9 हो गया, और राइट साइड पे बच गया 2b माइनस 4a। नाउ माइनस 3 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 12, एंड इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे आपको जो है 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं अभी कॉमन निकाल रहे हैं या नहीं, या आप कॉमन निकाल ही लीजिए। डिवाइड ईच टर्म बाय 2, आफ्टर डिवीजन ऑफ ईच टर्म बाय 2 यू विल गेट माइनस 2a प्लस b, और माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस 6। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, जिसकी यहाँ पे हमने बात की थी। इसके बाद ये हमारा सेकेंड स्टेप है, अब हमने गिवन फंक्शन में x की जगह माइनस 1 पुट करना है, क्योंकि हमें ये कंडीशन ऐसी गिवन है, यहां से देखने से पता चला। तो गिवन फंक्शन में माइनस 1 डालते हैं जहां जहां पे एक्स था, माइनस 1 का क्यूब माइनस ए इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह जब इस जगह पे माइनस 1 आएगा तो माइनस बी हो जाएगा प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें, माइनस 1 का क्यूब होता है नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 1 प्लस 1, तो ये देखिए 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से किसी एक अननोन लेटर की वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर एग्जांपल हम यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी नेगेटिव बी। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हम लिख देते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू पुट इक्वेशन नंबर 2 इनसाइड इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, मेरे पास आएगा माइनस 2a, तो अब a नहीं लिखूंगा बल्कि उसकी जगह माइनस b आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, और बाकी इक्वेशन नंबर जो है 1 वो यहां से लेके यहां तक कॉपी कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे जरा आप देखिए, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस बी पॉजिटिव 2b इज इक्वल टू 6, 2b प्लस b इज 3b इक्वल्स 6, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, यू विल गेट b इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दें या 2 में डाल दें, दोनों से सेम आंसर निकलेगा, लेकिन हमें अपनी आसानी देखनी होती है, वो इक्वेशन नंबर 2 में नजर आ रही है बिकॉज इट इज स्मॉलर, तो पुट b 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को लिखना शुरू करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस b और b की जगह 2 आ जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आया, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू प्लस 2।
यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।